इंडस्ट्री पर काल का साया सा छा गया है। 29 अप्रैल को इरफान खान की मौत की खबर के बाद अब 30 अप्रैल की सुबह सुबह ऋषि कपूर के निधन की खबर से सब हिल गए। इरफान की तरह ऋषि कपूर भी कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे। 29 अप्रैल की रात ही ऋषि कपूर की तबीयत खराब हुई और उन्हें आनन फानन में HN रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब चल रही थी। पहले ऐसा लग रहा था कि ऋषि कपूर किसी रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं, लेकिन जब उनके भाई रणधीर कपूर ने उनकी सेहत की गंभीरता के बारे में प्रेस को बताया तो सबकी चिंताएं बढ़ने लगी। रात में ऋषि कपूर के साथ उनके बेटे और उनकी पत्नी नीतू कपूर भी अस्पताल पहुंची थी और ऋषि कपूर ने अपने परिवार वालों के सामने आखिरी सांस ली। ऋषि कपूर की एज 67 ईयर्स की थी। साल 2018 में ही ऋषि कपूर को कैंसर का पता चला था और इलाज के लिए वो अमेरिका गए थे और वहाँ 11 महीने रहने के बाद पिछले साल सितंबर में ही वो इंडिया लौटे थे और अमेरिका में पूरे वक्त तक उनके साथ उनकी पत्नी नीतू थी। बेटा रणबीर कपूर कई बार उनसे मिलने न्यूयॉर्क जाते थे। ऋषि कपूर एक शानदार एक्टर होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी थे। इरफान खान के निधन के बाद ऋषि कपूर के चले जाने से पूरा बॉलीवुड कर्रा उठा है। हमारी तरफ से भी ऋषि कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि। कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।